भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। पिच की बात करें तो चेन्नई की पिच पर हल्की घास होने की उम्मीद जताई गई है। आउटफील्ड भी तेज होगा, ऐसे में दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है। टॉस जीतने के बाद टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी, जिससे टॉस जीतने वाली टीम तेज गेंदबाजों से फायदा उठा सके। चेन्नई की पिच पर बाद में स्पिनर्स भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। वहीं इस पिच के बारे में माना जाता है कि बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल होती है। ऐसे में जो भी टीम आउट ऑलराउंडर खेल दिखाने में सफल रहेगी, उसकी जीत चेन्नई में हो सकती है। इस मैदान पर कुल 23 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें बाद में बैटिंग करने वाली टीम को 8 मैच में जीत और पहले बैटिंग करने वाली टीम को 13 मैच में जीत मिली है। इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहा। लगातार 2 मैच में फ्लॉप रहने वाले सूर्या को एक बार फिर प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। दूसरे वनडे में हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्या के सपोर्ट में बातें कही थी। रोहित ने कहा था कि श्रेयस अय्यर के ना होने से सूर्या को ही मौके मिलेंगे। सूर्या जानते हैं उन्हें हर हाल में बेहतर खेल खाना है।